एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस गाइस, आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी मैंने करा हुआ है बट एक हाथ ब्लॉग ही डाला होगा कहीं हेयर एंड देयर। और अब मैंने सोचा मेरी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो रही है यूट्यूब की, तो ब्लॉग शेयर करना तो बनता ही है, प्लस ये एज अ मेमोरीज भी रह ही जाते हैं हमारे चैनल पर। तो गाइज, बाय द वे, आज है 23rd और आज है छोटी दिवाली, प्लस धनतेरस भी आज ही है। बट हम लोगों ने तो कल ही बना दिया था, बहुत से लोगों ने कल भी बनाया, बहुत से लोग आज भी बना रहे हैं। तो आप मुझे अभी देख सकते हो, मैं बिल्कुल नाइट सूट में हूँ, बिकॉज यस, मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ना नाइट सूट में ही लगता है। अभी थोड़ी देर से मैं हो जाऊंगी रेडी, बिकॉज हमें थोड़ा बाहर जाना है शॉपिंग करने के लिए। वैसे मेजर शॉपिंग तो हो ही गई है सारी, बट जो थोड़ी बहुत रहती है ना, वो मतलब जो नेवर एंडिंग वाली शॉपिंग रहती है, तो वो मैं करने जाऊंगी अभी। तो मैं आपको लेके चलूंगी अपने साथ। एंड यस, आप बताओ कि आपने अपनी छोटी दिवाली कैसे बनाई। और मेन तो कल का ही डे होता है, लाइक दिवाली हमारे लिए इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, तो कल का भी व्लॉग इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो यस गाइज, अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय द वे गाइज, मैं आपको मेरे फैमिली के मोस्ट लव्ड मेम्बर से मिलाने वाली हूँ, जो कि ये बैठी हुई है इधर पे। एंड अभी थोड़ी सी डर गई है यार, बिकॉज फेस्टिवल्स में ना, मतलब ये बेसिकली दिवाली में जब बहुत ज़्यादा क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं, तो डॉग्स मोस्टली डरते ही हैं। और वैसे भी आज तो इंडिया जीती भी है, तो उसका भी एक अलग ही जश्न चल रहा है। उसके जश्न में भी बहुत से लोग फटाके फोड़ रहे हैं। वैसे आई एम टोटली अगेंस्ट इट, मैं बिल्कुल भी फटाके नहीं फोड़ती। एक फुलझड़ी भी मुझसे जल जाए तो वो भी बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो हाँ, आप लोग बताना कि आप लोग करते हो कि नहीं क्रैकर्स बर्ड्स, और आपके क्या थॉट्स हैं इसको लेके, बिकॉज आई एम टोटली अगेंस्ट इट। तो देखिए गाइज, रॉक्सी से मिली है अभी, तो पता नहीं क्या कर रही है। और गाइज, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके घर पे दिवाली के लिए क्या क्या बना है। लाइक मेरे यहाँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें बनी हुई है, और मेरी मॉम और मेरा भाई बैठ के खा रहे हैं अभी, बट उन्हें मैं अभी दिखा नहीं रही हूँ, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। दिखाना। तो ये कुछ है चूड़ा और शंकर पाड़े, हमारे मराठी में ऐसे ही बोलते हैं। और ये इन्होंने सब कुछ खा लिया है, और बस अभी तो यही चलता रहेगा कुछ दिनों तक। हाय गाइस, तो मैं इधर नीचे आ चुकी हूँ अपने हॉल में, और इधर पे हमारे हॉल में पर्दे ही नहीं लगे हुए हैं, तो दिवाली के लिए हम स्पेशली लगा रहे हैं न्यू पर्दे। तो उसके लिए मेरा भाई आया हुआ है इधर पे ड्रिलिंग करने के लिए। और बाय द वे गाइस, आपको जो ये पीछे पेंटिंग दिख रही है ना, ये मैंने बनाई है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। बहुत ही सुंदर थी, और मुझे अभी तक इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। यस, मैं काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव तो हुई। बाय द वे गाइस, मेरी स्किन की हालत देखो यार, मतलब कल दिवाली है और ये हालत हो रखी है मेरी स्किन की। ठीक है, बट क्या ही कर सकते हैं, मतलब दिवाली आए और नए नए मेहमान हमारे चेहरे पे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पीछे पीछे मेरी पूछ बन के कौन घूमता रहता है दिन भर। तो गाइज, जैसे कि जहाँ मैं जाती हूँ ना, वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाती है। स्पेशली इसको इधर आने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक है, नीचे आके बहुत खुश हो जाती है ये। और अभी बेचारी शांत बैठी हुई है यार बहुत, बिकॉज सब लोग ना दिवाली के फटाके फोड़ रहे हैं, तो काफ़ी डर गई है ये, है ना रॉक्सी? रॉक्सी, इधर पे एक कुर्ता पड़ा हुआ है मेरा, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। एक्चुअली साइज़ इशू हो गया था, तो आज ही एक्सचेंज होके आया है, क्योंकि मेरे वैसे तो मैं लहंगा पहनने वाली हूँ दिवाली पे, बट वो लहंगा मुझे मतलब उसकी जो चोली है वो सेमी सिज थी। तो जो मेरे टेलर हैं, एक्चुअली मैं भी बहुत ही लेजी हूँ, तो मैं भी बहुत उनको टाइम पे जाके मैंने उन्हें दिया था कि प्लीज़ आप सिल देना करके। तो उन्होंने मुझे कहा कि कल ही देंगे, तो लेट सी, दिवाली वाले दिन ही मुझे मेरी जो लहंगे की चोली है वो मिलने वाली है। तो आई एम क्वाइट स्केप्टिकल कि वो देंगे भी कल की नहीं देंगे, बिकॉज उनके पास काफ़ी ज़्यादा काम आ चुका है। तो उन्होंने कहा था कि वैसे मुश्किल ही है, बट मैंने काफ़ी उनको मैं मना के आई थी, तो कल ही पता चलेगा कि मैं वो पहन पाऊंगी कि नहीं। अदरवाइज मुझे यही कुर्ता सेट पहनना पड़ेगा, जिसके लिए मैं उतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। क्या हो गया, क्या पहन, रुक जा। और गाइज, ये है मेरी मम्मी, जो कि मेरे भाई की हेल्प करवा रही है काम में। तो ठीक है, मैं अभी थोड़ी हेल्प करती हूँ इनकी, फिर मैं आपको। इधर मैं आ चुकी हूँ मेरे स्टूडियो रूम में, और स्टूडियो रूम की हालत बहुत अभी ख़राब है, मतलब बहुत मेरा खिलारा फैला हुआ है इधर उधर, तो मुझे सब साफ़ करना होगा। और पीछे आप देख सकते हो, मतलब इतना सारा सामान हो गया है कि स्टोरेज की जगह नहीं हो रही है बिल्कुल भी मेरे घर में, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। और देखो गाइज, ये है मेरा फेस्टिव बैकग्राउंड, तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज मैंने थोड़ी मेहनत करी थी इसके लिए। और अभी मैं इसको रहने दूंगी लाइक फॉर द अक्टूबर मंथ, और मिड नवंबर तक भी मैं इसे रहने दूंगी, फिर मैं अपना थोड़ा चेंज करूंगी बैकग्राउंड। देखिए आप, मेरा सामान कैसे पूरा फैला पड़ा हुआ है इधर उधर, तो ये सब भी मुझे अभी क्लीन करना होगा, बिकॉज ऑब्वियसली बाय द वे कल ही क्लीन करा था सब कुछ, बट देन कल ही मुझे एक और शूट करना पड़ गया था, तो उसकी वजह से सब कुछ फैल गया है इधर उधर। तो मैं सब कुछ क्लीन करके मिलती हूँ, तब तक मेरी मम्मी और भाई भी उस नेक्स्ट रूम में काम कर रहे हैं, तो उनका भी काम फिनिश हो जाएगा, एंड देन हम मे भी कहीं बाहर जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो हाँ, मैं मिलती हूँ आपसे सब कुछ क्लीन करके।
तो गाइस अभी बैठे बैठे ना मैंने अपनी नेल पेंट चेंज कर लिया और ये मैंने बहुत ही डीप सा बरगंडी सा रेड सा कलर लगाया है, एकदम फेस्टिव अप्रोप्रिएट मुझे लगा इसलिए मैंने लगा लिया। बाय द वे दिस इज फ्रॉम मनीष मल्होत्रा, ये वाला है इसका एंड शेड इसका है कुछ आराम मुझे दिख भी नहीं रहा है, सांग्रिया समथिंग करके है। मैंने ये वाला जो बॉक्स है ना ये परचेज किया था, ये मनीष मल्होत्रा का यूज़ ऑफ लव करके कुछ है, मैं दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कुछ ऐसे ओपन होता है, ओपन करना थोड़ा मुश्किल है यार। इसमें ये तीन शेड्स थे, एक ये और एक ये। सो इसमें ये तीन शेड्स हैं, मैंने बीच वाला लगाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, फेस्टिव अप्रोप्रिएट। ये थोड़ा चटैक रेड कलर है और ये थोड़ा ब्लडी रेड कलर है। इस वाले सेट में ना आपको ये तीन शेड्स मिल जाते हैं, तो इसी में से मैंने लगा लिया बिकॉज एकदम फेस्टिव अप्रोप्रिएट लगा। ओके गाइस, तो मैं काफ़ी खुश हो गई हूँ अभी क्योंकि मेरे जो बुटीक से आंटी का कॉल आया है कि जो मेरी जो चोली है लहंगे की वो रेडी हो चुकी है एंड आई एम सो हैप्पी कि आज ही हो गई है, तो अभी मैं फटाफट वहाँ जाऊँगी। और आंटी ने स्पेशली ना मुझसे लिपस्टिक्स मंगवाई है, तो मैं उनके लिए लिपस्टिक भी लेके जाऊँगी बिकॉज मेरे पास यार इतना ज़्यादा मेकअप हो जाता है ना, तो मैं इधर उधर बांटती रहती हूँ। तो अभी चलो देखते हैं कि, वैसे उन्होंने मुझे स्पेशली कहा है कि मेरे लिए ब्राउन ब्राउनिश मरूनिश काइंड ऑफ शेड लेके आना, तो अभी मैं अपने लिपस्टिक का जो है बॉक्स खोलूंगी, उसमें से निकालूंगी उनके लिए लिपस्टिक। लाइटिंग इतनी फ्लक्चुएट होती रहती है ना, तो अभी मैं फटाक से जाऊंगी और आपको भी ले चलूंगी अपने साथ। तो गाइज अभी मैंने ये लिपस्टिक्स निकाल के रख लिए कुछ, और टेलर भैया के लिए भी, टेलर भैया की भी बेटी है तो मम्मी ने कहा उनके लिए भी कुछ निकाल ले, तो मैंने इधर भी कुछ लिपस्टिक्स निकाली आंटी के लिए, तो देखते हैं उसमें से वो क्या चूज करती हैं। एंड या लेट्स गो। तो ये है वो आंटी जिन्होंने आज, इस बार इन्होंने मेरे को टाइम पे बनाया, वैसे हर बार ही मुझे टाइम पे बना के देती हैं, और मैं लेट आई थी ना आपके पास। हाँ बिल्कुल लेट आई थी, फिर भी इन्होंने बना के दे दिया मुझे टाइम पे और इनके लिए मैं लाई। तो अब देख लो आपको जैसा शेड चाहिए था, अब देख लो। अच्छा मेरा आज आ तो नहीं जाएगा, तो मुंह तो अच्छा कर लो ऐसे, आएगा ना तो अच्छे से, मैं तो तैयार। वैसे भी अच्छे लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं अच्छे से कुर्ता बदल देती हूँ अच्छे से। अरे यही है वो मेरी चोली जिसके लिए मैं वेट कर रही थी कब से, और आंटी ने एकदम टाइम पे करके दे दिया मेरा काम, और मैं आंटी के लिए गिफ्ट भी लाई हूँ, तो आप सिलेक्ट कर लो इसमें से। ठीक है श्रेया, बहुत सुंदर सुंदर लिपस्टिक्स लाई है श्रेया, वेरी नाइस श्रेया। ब्लाउज पहन के देख लेना आपका कैसा फिटिंग है। मुझे तो परफेक्ट लगा, एकदम जैसा मुझे चाहिए था। मैंने आंटी को डिज़ाइन व्हाट्सएप कर दिया था पहले ही, एकदम वैसे ही आंटी ने मुझे बना के दिया है, सो आई एम वेरी हैप्पी। और स्पेशली कल मुझे लगा था कि आंटी कल देंगी, पर उन्होंने आज मुझे दे दिया टाइम पे। बहुत रश चलता है ना श्रेया। हाँ, आंटी के यहाँ बहुत कस्टमर्स आते रहते हैं और बहुत इनका भी ओवरलोड हो जाता है दिवाली के टाइम पे, तो डिजाइनिंग अच्छा रहता है तो लोग आते हैं। तुम्हारे जैसे सही है शेड, थैंक यू श्रेया। अच्छा तो लग रहा है आप पे, सूट हो रहा है, सूट हो रहा है क्या? हाँ, मैं तो डार्क लगाती नहीं हूँ। नहीं नहीं, अच्छा, अब कल दिवाली है ना तो अच्छा लगाना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा। बैक होम, और आपने देखा ही आंटी कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी, आंटी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने उन्हें गिफ्ट दिया, और ये उन्होंने मेरी चोली बना दी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी है, जैसी मुझे चाहिए थी एकदम वैसी। तो आप लोगों को तो कल देखने को मिलेगी कल वाले ब्लॉग में कि ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं पूरा लहंगा पहनने वाली हूँ एंड फाइनली मुझे मिल गया लहंगा ये चोली टाइम पे, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और आंटी तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, शी वाज लाइक कि नहीं नहीं तुम पैसे मत दो अब इसके चोली के, बट मैंने कहा नहीं आंटी मैं इतना से गिफ्ट है आपके लिए लिपस्टिक। एंड उधर जो टेलर भैया थे उनको भी मैंने दे दिया उनकी बेटी के लिए कुछ, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो ऐसे ही गाइस हमें छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहना चाहिए, और आंटी इतनी खुश हो गई कि उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दे दी। तो यस, थैंक यू आंटी इफ यू आर वॉचिंग दिस। हाय गाइस, तो अब फाइनली मैं जा रही हूँ मार्केट, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, देखो 9:14 टाइम हो गया है। तो वैसे तो इधर के सारे मार्केट्स बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं, बट सिंस अभी फेस्टिव टाइम चल रहा है ना तो मार्केट्स ओपन है, तो अभी मैं फटाक से रेडी हो जाती हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पहन लूँ, मतलब मुझे बहुत कंफर्टेबल कपड़े ही पहनना पसंद है, तो मैं ये टॉप पहन रही हूँ, ये मैंने आजियो से लिया था, अभी रिसेंट परचेज है, और उसके साथ मैं ये पैंट्स पहन रही हूँ जो कि मैंने मीशो से ली थी, एंड इसे लेके मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लाइक 2-3 साल तो आराम से हो गए, बट स्टिल दे आर गोइंग गुड। इसमें मेरे पास ब्लैक शेड भी है, मतलब ब्लैक कलर भी है, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा टाइट भी होने लग गया बिकॉज येस आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। टॉप तो पहन लिया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और पैंट्स भी काफ़ी अच्छी लग रही है और बहुत कंफर्टेबल फिट है। मेरे से बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहने जाते, मेरे लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैं ऐसे ढीले ढीले लूज लूज कपड़े पहनती हूँ जो कि एयरी हों एंड कम्फर्टेबल हों। एंड वैसे तो मैं सच कुछ मेकअप करती नहीं हूँ जब बाहर जाती हूँ, बट अभी थोड़ा यू नो फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो मैंने अपने थोड़े से आईब्रोज बना लिए हैं इससे। यह है माइग्लैम का वो आईलाइनर और आईब्रो वाला डुओ, और उसके लिए मैंने स्पूलीज की यूज़ करी है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है कि मेरे को ये पेंसिल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, माइग्लैम की आईब्रो पेंसिल, क्योंकि इसका ये वाला जो प्रोडक्ट है ना बहुत थिक है,
तो मैं इसे यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो ब्राउ प्रोडक्ट मैंने इसका यूज़ करा है, ये वाला, ठीक है, माइग्लैम का यूज़ करा है। एंड इसकी स्पूली मैं यूज़ करती हूँ, इससे मैं अच्छे से कॉम्ब आउट कर लेती हूँ। एंड आप देख सकते हो मतलब प्रेजेंटेबल लग रहे हैं मेरे ब्राउज वगैरह जो है। और लिपस्टिक लिए मैंने यूज़ करी है ये वाली लिपस्टिक पॉपेक्सो की, इसकी रिसेंटली अभी मैंने वीडियो भी बनाई है, बहुत ही सुंदर शेड है ये वाला, मेरा फेवरेट शेड है, मैंने आपको बताया भी था। दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक। एंड या थोड़ा सा मैंने टचअप कर लिया बिकॉज आई रियली लाइक दिस शेड। ये है बाय द वे शेड चीयर लीडर, तो बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है ये, एकदम लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ वगैरह है, सब कुछ है। एंड बाय द वे गाइस, लाइटिंग का बहुत इशू है मेरे घर पे, बहुत हर जगह कम कम लाइट है, तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब तो मैं ऑब्वियसली रिंग लाइट यूज़ करती हूँ मेरी, बट अभी तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो अभी वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, आपने देखा टाइम भी काफ़ी लेट हो गया, तो अब मैं जल्दी से घर से निकलती हूँ और आपको सीधा मिलती हूँ मार्केट में, बाय। तो गाइज़ मार्केट के लिए हम लोग निकल गए और इधर मैं और मेरी मम्मी खुद को देख रहे थे, जिसके लिए मैंने लाइट भी ऑन कर दी थी कार की, बट देन मेरे भाई ने वो बंद कर दी। उसके बाद फिर हमने ये थोड़े बहुत फ्लावर्स लिए पूजा के लिए, जो ये गेंदे के फूल होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे मतलब फ्रेश वगैरह मिल रहे थे तो हमने ले लिए। वैसे तो सब कुछ पैकअप हो रहा था धीरे धीरे, पर फिर भी हमने ले लिए काफ़ी जल्दी, ये मेरी मम्मी इधर पर ले रही हैं। उसके बाद मैंने कुछ रंगोली के कलर्स लिए, बिल्कुल भी मैं जब ये लेने जाती हूँ ना तो काफ़ी ब्लैंक हो जाती हूँ, बिकॉज समझ ही नहीं आता कौन से कलर लूँ कौन से नहीं लूँ, बट देन थोड़ा बहुत दिमाग लगा कि मैंने कलर्स लिए, प्लस एक स्टेंसिल भी मैंने ले ली तो उसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। फिर हमने थोड़ी फुलझड़ी ले ली बिकॉज शगुन के लिए थोड़ा लेना पड़ता है फुलझड़ी वगैरह, बाकी तो हम क्रैकर्स वगैरह बस्ट नहीं करते हैं। और इधर मैं खुद को देख रही हूँ, फिर मैंने मम्मी को भी ले लिया था वीडियो में, तो बस कुछ इसी तरह हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। और फिर आगे जाके हमने थोड़े तोरण वगैरह लिए एंड जो भी प्रसाद का सामान होता है ना वो सब लिया, एंड दैट्स इट। मतलब इतनी शॉपिंग करनी थी, ज़्यादा सच तो कुछ करना नहीं था बिकॉज मेजर शॉपिंग तो पहले ही हो जाती है। दिए वगैरह लिए, ये सब कुछ लेके जो लक्ष्मी जी का वो रहता है लोटस रहता है वो हमने लिया, तो बस ये सब लेके फिर हम आ गए वापस घर। गाइस ये इधर हमारे साथ रॉक्सी भी आ गई है, मैं और मेरा ब्रदर इसको ले जा रहे हैं कार से थोड़ी सी क्राउन घुमाने के लिए, बिकॉज शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कार और इसे कार में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है घूमने में। आप देख ही सकते हो कितनी खुश बैठी हुई है ये पीछे, तो बस अब इसको घुमाएंगे और फिर घर जाएंगे फाइनली। तो गाइज फाइनली मैं घर आ गई हूँ एंड नाउ आई एम वेरी 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 टायर्ड, गाइस आपको मेरी शक्ल से भी दिख रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि लिटरली सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी और इतने जल्दी उठने की मुझे आदत है नहीं रोज़ रोज़, प्लस दिन भर आज बहुत काम किया है तो वैसे हालत ख़राब हो गई है। एंड यस अब मैं ज़्यादा कुछ तो करने नहीं वाली हूँ, बस अब स्किन केयर करूँगी थोड़ा बहुत, और मैं सोच रही हूँ बालों में थोड़ी ऑयलिंग कर लूँ बिकॉज कल तो हेयर वॉश करना ही है, तो वो करूँगी। और ये मैं मेहंदी के कोन लेके आई हूँ, दो लाई हूँ बाय द वे, तो सोच रही थोड़ी मेहंदी भी लगा लूँ, फेस्टिवल पे अच्छा ही लगता है, तो अभी मैं बस यही सब करने वाली हूँ। आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल रिकॉर्ड इट और नॉट, बट हाँ लगाने के बाद मैं एक मेहंदी की क्लिप ज़रूर से अटैच कर दूँगी बिकॉज आप लोग मुझसे कमेंट करके, मैंने जब अभी बीच में रक्षाबंधन पर लगाई थी ना मेहंदी, तो मुझे कमेंट आए थे कि आप अपनी दिखाया करो मेहंदी वगैरह, तो अभी तो मैं लगा के फिर ही आपको मैं क्लिप डाल दूँगी इसकी, एंड आई थिंक दैट्स इट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज ये वाला व्लॉग ना काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये छोटी दिवाली का व्लॉग मैं कल डाल दूँ, मतलब कल एक्चुअल दिवाली डे है तो कल 24 को मैं ये व्लॉग डाल दूँ, और फिर जो 24 वाला व्लॉग होगा वो मैं बाद में डालूँगी, उसमें मैं भाई दूज का भी इंक्लूड कर लूँगी ना, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड आई डोंट नो कि कोई इतना लंबा देखना चाहेगा कि नहीं, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग और मुझे व्लॉगिंग उतनी अच्छे से गाइज आती नहीं है, तो आई डोंट नो कि मैंने कैसी व्लॉगिंग करी है, आई रियली डोंट नो। तो बस गाइस इतना ही था और बस अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।